अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो एक यूट्यूबर ने क्या किया है कि मेरी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर उसने अपलोड किया है, ठीक है। इंडियन यूट्यूबर है और मुझे 6 घंटे पहले उसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और मैंने अभी नोटिस किया है कि मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ है यूट्यूब की तरफ से। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, न्यू कॉपीराइट मैच फाउंड, रिव्यू वीडियोज़ दैट मे बी यूजिंग योर कॉन्टेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास क्या हुआ कि अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन हुआ है और वहाँ पे उसने शो किया है कि किस बंदे ने मेरी वीडियो को यूज़ किया है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे बता रहा है 9 सितंबर को जो है वो उसने वीडियो अपलोड की है मेरी वाली, ठीक है। यहाँ पे उसका वो थंबनेल वगैरह भी आपको शो हो रहा होगा। ये उसका जो उसका टाइटल है, ठीक है। सेम वीडियो मेरे पास पड़ी भी, आई थिंक 4 मंथ पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। तो इसने क्या किया है कि सितंबर 9 को वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है, मगर यूट्यूब के जो एल्गोरिथम में आई है वो है जी आज की डेट में आई है, ठीक है। मींस कि आज डेट है 16 सितंबर, ठीक है। तो आज क्या हुआ है कि यूट्यूब ने इसको डिटेक्ट करके मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया है कि आपकी वीडियो किसी ने कॉपी की है, ठीक है। ये उस बंदे का चैनल है हिंदी में जानकारी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके चैनल को क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास क्या हुआ कि उसका चैनल ओपन हो गया और इस बंदे ने ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियो सेम टू सेम कॉपी की है। ये देखें, 7 दिन पहले की है, सेम वीडियो है सारी की सारी। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, सारी वीडियो सेम है, वही है, कुछ भी इसमें चेंज इसने नहीं किया, सारा कुछ सेम है, ठीक है। उसके अलावा थंबनेल सेम है, थंबनेल के बाद इसमें टैग्स, चैनल टैग्स, हर चीज़ क्या हुआ है कि इसने कॉपी की है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको स्ट्राइक देनी है, ठीक है। देखिए, इस बंदे के 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं, हालांकि मेरा छोटा चैनल है, मेरे पास अभी सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर हैं, मगर मेरी वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी वायरल होना स्टार्ट हुई थी, उस पर ऑलमोस्ट 5000 प्लस व्यूज़ आ चुके हैं इस टाइम पर, ठीक है। मीन्स के 5000 से क्रॉस कर गए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सर्च भी किया, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया ना, ये देखो, vidIQ बूस्ट फॉर फ्री, एक तो मेरी वीडियो रैंक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, चौथे पांचवें नंबर पे आ रही है, चौथे पे मेरी आ रही है 5.3K व्यूज़, और नेक्स्ट ही इसी की आ रही है। मीन्स के वीडियो के अंदर SEO अच्छी खासी की हुई थी मैंने, ठीक है। तो सेम सेम टाइटल, ये वो हर एक चीज़ उसने कॉपी की है, ठीक है। तो उसी के नीचे ही जो है ना फ़ौरन उसकी वीडियो भी आ रही है, मीन्स के उसकी वीडियो भी रैंक हो सकती है, ठीक है। ये देखें, 3.3K व्यूज़ वाली नीचे है, उसकी वीडियो ऊपर आ रही है। तो मैंने अब इसको देनी है स्ट्राइक। तो यहाँ पे देखें, जैसे आप यहाँ पे आते हैं ना, देखें इधर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है मूव टू आर्काइव, आर्काइव के अंदर आप इसको सेंड कर सकते हैं, बाद में मतलब कि देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल और कॉन्टैक्ट चैनल, ठीक है। आप यहाँ से चैनल को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से वीडियो को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने कॉन्टैक्ट नहीं करना, मैंने डायरेक्ट रिमूवल रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि अफेक्टेड पार्टी के कौन अफेक्ट हुआ है, इससे आपकी कंपनी या फिर खुद, ठीक है। तो मेरी कंपनी कोई नहीं, मैं जस्ट खुद ही काम कर रहा हूँ, तो मैं माई सेल्फ कर देता हूँ। नेम ऑफ कॉपीराइट ओनर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल नेम लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर लिखना है अपना, तो फ़ोन नंबर मेरा +92341548131, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर है। इसके अलावा ये मेरी ईमेल है, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान, स्ट्रीट एड्रेस रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है, ये मैंने एड्रेस दे दिया। इसके बाद यहाँ पे सिटी, सिटी मेरा है साहिवाल, प्रोविंस पंजाब, और जिप कोड हमारे पास ये 57,000 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे रिलेशनशिप टू कॉपीराइटेड कंटेंट, अब यहाँ पे हमने बताना है कि आपकी जो वीडियो कॉपीराइट मतलब कि क्लेम हुई है, आपका उसके वीडियो के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। हमने वो बताना है, दैट्स कौन वीडियो दैट ही कॉपीड फ्रॉम माय, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमने रिमूवल ऑप्शन देना है कि रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ, या फिर 7 दिन का नोटिस सेंड करना है उसको, ठीक है। तो मैं फ़ौरन से इसको रिमूव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है जी, प्रिवेंट कॉपीज ऑफ दीज वीडियोज़ फ्रॉम अपेयरिंग ऑन यूट्यूब गोइंग फॉरवर्ड। मीन्स कि अगर उसी की वही वीडियो, मतलब कि जो मेरी वीडियो उसने कॉपी किया, वही वीडियो आगे कोई बंदा ना अपलोड कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओके कर दें। अब लीगल एग्रीमेंट्स
अब यहाँ पे आपने बताना है जिसको सबको अलाउ कर दें, मींस कि मैं बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ मेरा ओरिजिनल है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। लीगल नेम विच इज़ यूजली योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपने ये सारा कुछ करना है, ठीक है, ये करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो अब क्या होगा जी, हमारे पास जो कॉपीराइट कंप्लेंट थी वो सबमिट हो गई है, ठीक है। रिमूवल रिक्वेस्ट यहाँ पे शो हो रही है आपकी, अभी फ़िलहाल जो है अंडर रिव्यू है, प्रोसेस में है, ठीक है। तो जैसे ये प्रोसेस होगी तो मेरे पास क्या होगा कि इसका एक तो मेल आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है, कि इसके बंदे की वीडियो रिमूव हो गई है या नहीं हुई या क्या हुआ है, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपनी वीडियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी बंदा उसको अपलोड करता है तो उसको इस तरह से हम स्ट्राइक दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।